हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड फ्रेंड, आज मैं अंगूठे वाली लेडीज़ जुराब बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये दो कलर लिए हैं। कलर आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। 10 नंबर की फ्रेंड मैंने सिलाई ली है और इसमें मैंने फ्रेंड 44 फंदे डाले हैं और सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड मैंने उल्टा उल्टा बुनते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो फ्रेंड्स मैंने ये 24 रो बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सीधी साइड पे हैं, सीधी साइड पे फ्रेंड्स हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हैं फ्रेंड्स हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके उल्टी साइड पे आएंगे। फिर उल्टी साइड पे आ गए हैं, उल्टी साइड पे पहले हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4 चार फंदे बढ़ा दिए। अब इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हैं फ्रेंड हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके सीधी साइड पे आएंगे। फ्रेंड सीधी साइड पे आ गए हैं, सीधी साइड पे भी हम पहले 4 फंदे बढ़ाएंगे। 1, 2, 3 चार। अब इन सभी फंदों को भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो उल्टा उल्टा बुनते फ्रेंड अब ये पूरी रो यहां तक कंप्लीट करके उल्टी साइड पे आएंगे। फिर उल्टी साइड पे पहुंच गए, उल्टी साइड पे हम क्या करेंगे, उल्टी साइड पे अब हम वूल चेंज करेंगे। तो फ्रेंड उल्टा उल्टा बुनते हैं फ्रेंड्स हम ये पूरी रो हम ये यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे। फ्रेंड्स सीधी साइड पे आ गए, सीधी साइड पे फिर पहला फंदा उतार लेंगे। अब हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड उल्टा उल्टा बुन के हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड फिर हमने उल्टा बुनना है, सीधी साइड फिर हमने उल्टा उल्टा बुन के फिर उल्टी साइड पे आएंगे। यानी हमने अब ये वाइट कलर से हमने यहाँ पे 2 रो बना लेनी है, पर्ल वाइज हमने 2 रो बनानी है। फ्रेंड मैंने वाइट कलर से 4 सिलाइयाँ कर ली हैं। अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं, उल्टी साइड पर फिर हम वूल चेंज करेंगे। जब भी हमने फ्रेंड्स वूल चेंज करनी है, हमने उल्टी साइड से वूल चेंज करनी है। ये देखिए फ्रेंड वाइट कलर से ये 2 पलवाइज रो बन गई है हमारी। तो फ्रेंड्स अब उल्टा उल्टा बुन के
फ्रेंड ये पूरी रो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने दोनों कलर की हमने चार चार सिलाइयाँ करनी है, और जब भी वूल चेंज करेंगे हमने उल्टी साइड से वूल चेंज करनी है, और पल वाइज ये हमारी दो दो रो बनेंगी। फिर मैंने 1 2 3 4 तो ये चार रो मैंने वाइट कलर की कर ली हैं, 1 2 3 तीन रो मैंने ब्राउन कलर की हैं। तो हर रो में मेरे एक दो ये दो पल वाइज लाइनें आई हैं, यानी चार चार सिलाइयाँ मैंने की हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, वूल पतली है तो मैंने यहाँ पे 24 रो की हैं। अगर आपकी वूल थोड़ी सी मोटी है तो आप 20 या 22 रो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम उल्टी साइड पे फ्रेंड हम वूल चेंज करेंगे। तो फ्रेंड उल्टा उल्टा बुनते फ्रेंड ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अंगूठा निकालेंगे, यहाँ पे हम पंजा निकालेंगे। अब जब हम दूसरी जुराब बनाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे हम पंजा निकालेंगे, यहाँ पे हम अंगूठा निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं अंगूठा निकालूंगी फ्रेंड। ये हमारे यहाँ पे 44 फंदे डाले थे, चार फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए, चार फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए, तो टोटल 8 फंदे बढ़ गए। तो मेरे यहाँ पे टोटल फंदे हो गए 52, यानी 52 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, 20 फंदे हम यहाँ पे अंगूठे के लिए निकालेंगे। अब हम उल्टा उल्टा नहीं बुनेंगे, अब हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो फिर मैंने ये 20 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब हम आगे इन फंदों को नहीं बुनेंगे, अब यही से हम उल्टा देंगे। अब उल्टी सिलाई पे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड ये पूरी रो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, सीधी साइड पे आएंगे। सीधी साइड पे आ गए हैं, सीधी साइड पे अब पहला फंदा उतार लेंगे। अब हमने सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स हमने इन 20 फंदों को सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड को मिला के फ्रेंड इसकी हम 18 सिलाइयाँ कर लेंगे। तो 18 सिलाइयाँ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड मैंने ये 18 सिलाइयाँ कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम चार फंदे कम करेंगे। फिर हम सीधा सीधा बुन लेंगे। लास्ट के चार फंदे हैं, इनको भी हम इस तरह से हम लास्ट के चार फंदे कम कर देंगे इस तरह। उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बुन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे के ऊपर से हम सारे फंदे इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से हम ये सारे फंदे निकाल देंगे। इस तरह से एक बार बुन लेंगे। यहाँ से काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड अंगूठे की गुलाई, ये देखिए हमारी अंगूठे की गुलाई बन गई है।
सबसे पहले आप अंगूठे पैर के अंगूठे का नाप ले लीजिए, उतनी लेंथ में आप फिर ये अंगूठा बनाइए। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टोटल फंदे 52 थे, तो 20 फंदों का मैंने अंगूठा बना लिया, तो बाकी बचे हमारे पास 32 फंदे। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले 15 फंदे बुनेंगे। तो फ्रेंड पहले हम 15 फंदे हम यहाँ पे बुन लेंगे। फ्रेंड 15 फंदे हमने यहाँ पे बुने, 15 फंदे हमारे यहाँ पे हैं, जो बीच के दो फंदे हैं फ्रेंड उनका हम दो का एक कर देंगे, बाद में जो 15 फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधा सीधा बुन के फ्रेंड हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके उल्टी साइड हम सारी उल्टी बुन के फिर हम सीधी साइड पर आएंगे। फिर हम सीधी साइड पर आ गए हैं, पहले हमने 15 फंदे बुने थे, अब हम 14 फंदे बुनेंगे। फ्रेंड हमने 14 फंदे बुन लिए, 14 फंदे हमारे यहाँ पे होंगे। ये जो 15वां फंदा इसको हम इस तरह से उतार लेंगे, ये फंदा जो है हमारा वो दो फंदों का एक किया था, इसको दूसरी सिलाई में ले लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट फंदे को भी हम उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जो ये वाला फंदा है जिसका दो फंदे का एक किया था उसको पहले हम इस तरह से ले लेंगे, फिर दो फंदों को जो हमने उतारा था उसको भी इस सिलाई में ले लेंगे। अब तीन फंदों का हम एक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड फली बन गई है, ये देखिए फ्रेंड बहुत ही सुंदर फली बनी है। बाकी के जो 14 फंदे हैं उनको हम एज इट इज बुन लेंगे। फ्रेंड सीधा सीधा बुनते ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके उल्टी साइड हमने सारी उल्टी बुननी है, इसमें हमने कोई फंदा कम नहीं करना, हम सीधी साइड पे आएंगे। फ्रेंड हम सीधी साइड पे आ गए हैं। फ्रेंड्स पहले मैंने यहाँ पे 15 फंदे बुने, फिर 14, अब 13 फंदे बुनेंगे। फ्रेंड मैंने 13 फंदे बुन लिए, ये 14 फंदा हम उतार लेंगे। ये फंदा हमने तीन फंदों का एक किया था, इसको दूसरी सिलाई में ले लेंगे और उससे नेक्स्ट फंदे को भी हम उतार लेंगे। पहले ये वाला फंदा हम इस सिलाई में लेंगे, फिर दो फंदे हमने उतारे थे उनको भी इस सिलाई में ले लेंगे। अब इन तीन फंदों का हम एक करेंगे, फ्रेंड तीन फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फली बन रही है। अब बाकी के जो 13 फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे, सीधा बुन के ये रो यहाँ तक कंप्लीट करके उल्टी साइड हम सारी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम सीधी साइड पे आएंगे, सीधी साइड पे फिर हम 12 फंदे बुनेंगे, फिर हम ये फली बनाएंगे, उल्टी साइड सारी उल्टी बुनेंगे, फिर सीधी साइड पे आएंगे, फिर हम 11 फंदे बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड हम ये बुनते जाएंगे, और जितने फ्रेंड्स हमने इस थंब में सिलाइयाँ बुनी हैं उतनी हम इस फिंगर्स में भी हम उतनी सिलाइयाँ बुन लेंगे। फ्रेंड मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। इस तरह से ये सॉक्स दिखाई देगी, अब इस सॉक्स की हम सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड ये सीधी साइड है, अब इसको हम उल्टी साइड से सिलाई करेंगे।
पहले अंगूठे को सिलेंगे। फिर मैंने अंगूठे को सिल लिया, अब हम इसको सिलेंगे। सीधा करेंगे, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। से लेके यहाँ तक सिल लिया है, अब इसको सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम बीडिंग करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तीन चेन लगाएंगे, वहीं पे करेंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया, तो ये हो गया हमारे तीन बार डबल क्रोशिया। फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच, तीन बार डबल क्रोशिया, तीन चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे करेंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे करेंगे हम स्लिप स्टिच, फिर तीन चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया, तो ये हो गया हमारे तीन बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे कर देंगे हम स्लिप स्टिच, तीन चेन लगाएंगे, फिर दो बार डबल क्रोशिया। चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया, तीन बार डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड इस तरह से आएगा, इस तरह से फ्रेंड ये यहाँ से सारा करते हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम बंद कर देंगे। फ्रेंड अंगूठे वाली लेडी सॉक्स बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।